Hi everyone, welcome to JMW, JE Maths Sala, JE Advanced Aspirants. In this video, you will get 5 most important questions for your forthcoming JE Advanced exams from the chapter Indefinite Integral. Clear? This type of questions generally asked in JE Advanced exams. आपको इसी टाइप का क्वेश्चन को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना चाहिए, तब तक प्रैक्टिस करते रहना चाहिए जब तक आप परफेक्ट नहीं बन रहा हो, ठीक है? प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. नाउ सो दिस इज ई टू द पावर टेन थीटा इनटू सेक थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स. ये जो इंटीग्रेशन है ये बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है. ये दोनों को सेपरेट कर दो. सेपरेट करने के बाद फर्स्ट इसको फिक्स रहने दो, इसको आईलेट लगाओ. आईलेट लगाने के बाद देखो ये दोनों कैंसिल होंगे. So the c is cancelled, so that is e to the power 10 theta into cos theta plus c here. So this is the right option. Now if this integration is equal to log of fx plus gx plus c, then you will find out the fx plus gx. So that means here what you will do here, you will integrate this function. So like this, maine kya kiya, e to the power x ko add and subtract kar diya, this by this and this by this, ye dono to same hai. So one hai one integration se x hai. Abhi dekho iska derivative hai, isliye log of this, ye fx hai, ye gx hai, dono ko add karo, x x cancel, e to the power x plus sin x hai. So that means here this option is the right choice. Now 2x plus 1 by this, ये जो इंटीग्रेशन है बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है. यहीं पे क्या करोगे, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए यहीं से x स्क्वायर कॉमन ले लो. देखो x स्क्वायर जब कॉमन लोगे बाहर क्या आएगा, x क्यूब. इसको x क्यूब से डिवाइड करो, 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब है. सो दिस, ठीक है, अभी दिस इज इक्वल टू, यहीं पे 2 है ना, सो दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर. तो इसको डिफरेंशिएट किया, मिला है देखो पूरा न्यूमरेटर मिल गया, माइनस टी बाई टी क्यूब डी टी, 1 बाई टी स्क्वायर. 1 बाई टी स्क्वायर मीन्स क्या, 1 बाई टी. सो दिस इज टी मीन्स क्या, तो इसका रूट है, ठीक है. अभी सिंप्लीफाई करो, सो यू विल गेट दिस, ठीक है. सो दिस इज द राइट चॉइस. Now integration sin x cos 2x cos 4x cos 8x cos 16x dx equal to क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन यू कैन फेस एट योर एग्जाम, ठीक है. मैंने यहीं पे क्या है, जस्ट क्लियर, यहीं पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया sin 2x cos 2x दिस, ठीक है. तो इसके लिए एक 2, इसके लिए एक 2, इसके लिए एक 2, इसके लिए एक 2. सो दैट मीन्स क्या, 4 2 इंटू 2 टू टू दी पावर 5. क्लियर, इसका डबल हो गया sin 32x. इसका इंटीग्रेशन माइनस cos 32x बाय 32 मल्टीप्लाई करो 1024. सो लाइक दिस, ठीक है. सो दिस इज द राइट चॉइस. नाउ sin ऑफ 101x into this dx, क्लियर, क्या होगा जब भी स्टेप पर क्वेश्चन होगा इसको ब्रेक करना है, ठीक है. उसका बाद क्या है, this into this plus this into this, इसका सब मल्टीप्लाई किया, ये हो गया. अभी इसको एक क्लियर, इसको क्या करोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन रखो, इसको सेकंड फंक्शन रखो, ठीक है, और आईलेट लगा दो, ठीक है. आईलेट जब लगा दोगे तुम्हें ये मिलेगा, ठीक. और ये दोनों तो सेम हो गया, सो ये दोनों कैंसिल हो गया. वी से इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट दिस, दिस इज द सॉल्यूशन. सो दैट मीन्स क्या, दिस इज द राइट चॉइस ऑफ दिस एंट्री. So my dear friends, you have got 5 fantastic problems from Indefinite Integral, clear. So if you like this video, please share this video to all of your Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram and Twitter friends, as well as all social medias around the world. And don't forget to subscribe my channel JMW, clear. Thank you very much for watching me and listening my word, and all the very best for your forthcoming JE Advanced.